नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन बैटरी के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों, आप में से कई लोग इस डिफरेंस को जानते हो, जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो जानते हैं एक बार फिर अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर लें, इस वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं इनके बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या और आपको इनमें से कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, लिथियम आयन बैटरीज अन्य बैटरी के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती हैं पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि पावर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आप यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, चाहे यहाँ पर आप साइज़ की बात करें, तो कॉमनली आपको ये बैटरीज अपने मोबाइल फ़ोन में, गैजेट्स में, इक्विपमेंट्स में, रोबोट्स में, क्वाडकॉप्टर्स में और इवन आपके जो ड्रिलिंग डिवाइस है, पावर टूल्स है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। सिगरेट लाइटर्स में भी आप इस बैटरी को देख सकते हो। तो फिलहाल ये बैटरी आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर मार्केट में आपने देखा होगा कि आपको दो टाइप की ऑप्शन मिलेगी, लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर। तो यहाँ पर इन दोनों बैटरीज में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों बैटरीज की केमिस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही प्रिंसिपल पर वर्क कर रही हैं। लिथियम आयन यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उस वजह से यहाँ पर चार्ज स्टोर और चार्ज डिलीवर होता है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं लिथियम पॉलीमर बैटरी की बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे कि नाम सजेस्ट करा, इसके अंदर आपको पॉलीमर एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी तक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड बैटरीज मार्केट में नहीं आई हैं, लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज मार्केट में नहीं आई हैं। फिलहाल रिसर्च में है, ऐसा नहीं है। सॉलिड स्टेट आयोनिक्स एक काफ़ी बड़ी ब्रांच है, जिसमें कि इन आयंस का सॉलिड मीडियम के अंदर ट्रांसफर स्टडी किया जा रहा है। और फिलहाल ये अभी ऑन रिसर्च है, कमर्शियल बेस में किसी ने भी इस टाइप की बैटरी नहीं बनाई। तो फिलहाल ये जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज अभी करंटली मार्केट में चल रही हैं, तो ये एग्जैक्टली है क्या? ये दोस्तों लिथियम आयन ही बैटरी है। यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर आपको धोखा दे रहे हैं। कई लोगों ने इसका नाम रख दिया, मुझे नहीं मालूम ये नाम का ओरिजिन कहाँ से है। विकिपीडिया सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लिथियम आयन ही बैटरी है। बस यहाँ पर क्या है, पैकेजिंग डिफरेंस की गई। मतलब यहाँ पर आपको सॉलिड पैकिंग मिल जाएगी, बाहर की साइड को एक सॉलिड मटेरियल, देख सकते कि बहुत तगड़ा मटेरियल है, एक मेटल बेस मटेरियल है, और उसके अंदर इस बैटरी को फिट किया गया है। जबकि यहाँ पर एक प्लास्टिक की पैकेजिंग है, तो यहाँ पर प्लास्टिक की पैकेजिंग इस बैटरी का जो वेट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर इस पाउच की वजह से इसको हम लोग लिथियम पॉलीमर बैटरी बोलते हैं। तो फिलहाल इस पाउच को यूज़ करने से बैटरी का जो वेट है वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ बैटरी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर सॉलिड केसिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग किसी भी साइज़ में, किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं, क्योंकि हमें आप बाहर को कोई प्रोटेक्शन सॉलिड नहीं लगाना है, मेटल नहीं लगाना है। तो फिलहाल यहाँ पर ओवरऑल डेंसिटी तो बढ़ जा रही है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बढ़ जा रही है, और इवन जो वेट वाली डेंसिटी है वो भी बढ़ जा रही है। बट यहाँ पर केमिस्ट्री सेम है। यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप यहाँ पर लिथियम पॉलीमर यूज़ करना चाहते हो कि लिथियम यहाँ पर आयन यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप प्रेफर करो लिथियम पॉलीमर, क्योंकि उस केस में जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, चाहे यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे यहाँ पर मास वाली हो, दोनों काफ़ी ज़्यादा होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पावर आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पर केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर प्योर लिथियम पॉलीमर बेस्ड बैटरी अभी तक मार्केट में नहीं आई। यहाँ पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो मिसकंसेप्शन इस नाम की वजह से हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी आपकी एक पॉलीथीन या पॉलीमर बेस कैप्सूल या कवर में कवरअप है, तो इसलिए इसको हम लोग लिथियम पॉलीमर बैटरी बोलते हैं। तो आप सभी का अब डाउट क्लियर हो गएगा। यहाँ पर कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखा है, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इस बैटरी के अंदर तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड हो गए आपके एक कॉम्पोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा कंपोनेंट हो गया स्पेसर। तो यहाँ पर स्पेसर में भी पॉलीमर हो सकता है, इस वजह से भी इस बैटरी का नाम पॉलीमर पड़ गया, बट स्पेन टाइप का स्पेसर इसके अंदर भी होता है। इस बैटरी के अंदर आपको इलेक्ट्रोड, जो आपका एनोड हो गया, वो आपका होता है लिथियम ट्रांजिशन ऑक्साइड बेस एक मटेरियल होता है, उसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए कुछ कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है, मतलब कुछ इसमें डोपिंग की जाती है, और प्लस इसमें बाइंडर जो कि यहाँ पर पॉलीमर है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पॉलीमर बाइंडर को यूज़ करें इलेक्ट्रोड को फैब्रिकेट करने के लिए, कई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसर एज ए पॉलीमर, पॉरस जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर रखा वो पॉलीमर है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉलीमर बैटरी बोलते हैं। बट दोस्तों, ये सब गलत है। यहाँ पर प्योर पॉलीमर बैटरी हम लोग उसी को बोलेंगे जो यहाँ पर सॉलिड स्टेट आयोनिक्स बेस बैटरी हो, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड ना हो,
सॉलिड फॉर्म में हो, पॉलीमर फॉर्म में हो, तो उस केस में हम लोग इस बैटरी को पॉलीमर बैटरी बोल सकते हैं, लिथियम पॉलीमर नाम हो जाएगा। बट इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका लिक्विड फॉर्म में है तो ये प्योर पॉलीमर बैटरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बस मे बी आप कुछ भी समझें इसको, बट यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर केसिंग के बीच में। हाँ दोस्तों, ये बैटरी किसी केस में हो सकती है कि इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो, काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी ज़्यादा चार्ज साइकिल या डिस्चार्ज साइकिल को ये झेल जाए, मतलब काफ़ी इसका अच्छा लाइफ टाइम हो। बट दोस्तों ये सिर्फ इसके बीच में जो केमिस्ट्री है उसमें डिफरेंस होगा, और मे बी टाइम के साथ आप इस टाइप की बैटरी जो कि यहाँ पर किसी मेटल कैप्सूल के अंदर बंद पड़ी हुई है तो इसकी भी केमिस्ट्री आगे आगे चेंज होती चली जा रही है। तो यहाँ पर अभी कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों बैटरीज के अंदर, ये भी आपकी लिथियम आयन है और ये भी आपकी लिथियम आयन है, बस यहाँ पर प्लास्टिक की केसिंग के अंदर इसको डाला गया है इसलिए इसको पॉलीमर बोल दिया। यहाँ पर ये मेटल की केस के अंदर डली हुई है इसलिए हमने इसको लिथियम आयन बोल दिया। तो मुझे लगता है आप सभी का डाउट क्लियर हो गया कि लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरीज में क्या डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाले इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज़ देख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।